साथियों, P20 समिट उस भारत भूमि पर हो रही है जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। दुनिया की विभिन्न पार्लियामेंट्स के प्रतिनिधि के तौर पर आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्स डिबेट और डेलीब्रेशंस का महत्वपूर्ण स्थान होती है। हमारे यहां हजारों वर्ष पहले भी डिबेट्स और डेलीब्रेशंस के बहुत ही सटीक उदाहरण है। हमारे करीब 5000 साल से भी पुराने ग्रंथों में, हमारे वेदों में सभाओं और समितियों की बात कही गई है। इनमें एक साथ आकर समाज के हित में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। हमारे सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में भी कहा गया है, संगच्छध्वं संवदध्वं सं मनासि जानताम, यानी हम एक साथ चलें, हम एक साथ बोलें और हमारे मन एक हो। हमारे यहां तब भी ग्राम सभाओं में डिबेट के माध्यम से गांवों से जुड़े फैसले होते थे। ग्रीक दूत मेगास्थनीज ने भी भारत में जब इस तरह की व्यवस्था को देखा था तो वो हैरान हो गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों के इस सिस्टम पर विस्तार से लिखा है। आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि हमारे यहां तमिलनाडु में 9th century का एक शिलालेख है। इसमें विलेज लेजिस्लेटिव्स के रूल्स और कोड्स का उल्लेख है। और आपके लिए ये जानना भी बहुत दिलचस्प होगा कि 1200 साल पुराने उस शिलालेख पर यहां तक लिखा हुआ है कि किस मेंबर को किस कारण से किस परिस्थितियों में डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है। ये 1200 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। मैं आपको अनुभव मंटपा के बारे में भी बताना चाहता हूं। मैग्ना कार्टा से भी पहले 12वीं शताब्दी में हमारे यहां अनुभव मंटपा की परंपरा रही है। इसमें भी डिबेट और डिस्कशन को एनकरेज किया जाता था। अनुभव मंटपा में हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के लोग अपनी बात के लिए वहां आते थे। जगतगुरु बसवेश्वरा की ये देन आज भी भारत को गौरवान्वित करती है। 5000 साल पुराने वेदों से लेकर आज तक की ये यात्रा, संसदीय परंपराओं का ये विकास सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरोहर है।